हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. आज हम एक्सरसाइज 2C का फोर्थ सम करने जा रहे हैं. 1/3 ऑफ 6 डजन फ्रूट्स इन अ फ्रूट सेलर कार्ट आर एप्पल्स. सो पहले वो लिख लेते हैं, 1/3 ऑफ 6. अभी ऑफ मतलब क्या बच्चों? मल्टीप्लाई. सो 1/3 ऑफ 6 डजन है एप्पल्स. ठीक है, तो 3 1s are 3 2s are. सो एप्पल्स कितने हो गए? 1 2s are 2. सो एप्पल्स है 2 डजन. ये हम लोग इधर लिख लेंगे, एप्पल्स है 2 डजन. इफ 1/4 ऑफ ऑल फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स मतलब पूरा 6 डजन. इफ 1/4 ऑफ ऑल फ्रूट्स आर ऑरेंजेस, इफ 1/4 ऑफ ऑल फ्रूट्स, तो ये अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो हमें मिलता है 3/2. 3/2 है ऑरेंजेस. अगर हम इसे लॉन्ग डिविजन करें बच्चों 3/2 को, तो हमें मिलेगा 1.5. तो 1.5 है ऑरेंजेस. तो हमें अभी एप्पल्स मिल गए 2 डजन और ऑरेंजेस मिल गए 1.5. एंड द रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर बनानास, मतलब बाकी के जो फ्रूट्स है वो बनानास है. तो टोटल कितने थे बच्चों? टोटल फ्रूट्स है 6 डजन. टोटल फ्रूट्स है 6 डजन. मैं इसीलिए पॉइंट में लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये 1.5 है, तो माइनस करने के लिए हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी. और एप्पल्स और ऑरेंजेस को ऐड कीजिए बच्चों. एप्पल्स है 2 और 2 डजन और ऑरेंजेस है 1.5 डजन. सो टोटल हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3.5. सो 3.5 चला गया एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस. तो बाकी जो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग जो मिलेगा वो हमें बनानास के डजन मिलेंगे. तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा बनानास. सो 5 ना, इधर 5 - 3, ठीक. सो 2.5 डजन बनानास थे. 2.5 डजन, DZ लिखा है मैंने बच्चों. ओके, नेक्स्ट सम. जया हैड 3 ribbons विथ हर. द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन वॉज दिस मच. द रेड रिबन वॉज 3/5 ऑफ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन. एंड द येल्लो रिबन वॉज 2.5 times द रेड रिबन. मतलब अगर हमको वॉट इज द लेंथ ऑफ येल्लो रिबन पूछा है, लेकिन हमको येल्लो रिबन फाइंड आउट करने के लिए रेड रिबन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि येल्लो रिबन इज 2.5 times रेड रिबन. तो रेड रिबन फाइंड आउट करने के लिए इट वॉज 3/5 ऑफ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन. मतलब ग्रीन रिबन जो था उसका 3/5. मतलब हमें यहाँ स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा. सो फर्स्ट है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, तो वो हम लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल टू 12 meters 50 centimeters. तो मैं 12 meters 50 centimeters को ऐसे लिख देती हूँ, 12.50. अब रेड रिबन हमें कैसे मिलेगा? रेड रिबन इज इक्वल टू 3/5 ऑफ मतलब इंटू लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन. लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन है 12.50. तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों. 5 2s are 10, 25 रिमेनिंग, 0.55 is 0. सो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7.50. सो 7 meters 50 centimeters है रेड रिबन की लेंथ. सो लेंथ ऑफ रेड रिबन इज 7 meters 50 centimeters. अब द येल्लो रिबन वॉज 2.5 times रेड रिबन. येल्लो रिबन इज 2.5 times. अभी टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन. सो 2.5 times द लेंथ ऑफ रेड रिबन. रेड रिबन क्या है बच्चों? 7.5. सो ये मिक्सड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बनाएंगे. 2 2s are 4 plus 1 5/2 into 7.50. इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ये इवन नंबर है तो कैंसिल होगा. 7.50 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगे ऐसे लॉन्ग डिविजन करके, तो आपको 3.75 मिलेगा. 5 5s are 25, 5 7s are 35 plus 2 37, 5 3s are 15 plus 3 18. सो 18.75 सेंटीमीटर. ये कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों. 0.75 को हम कैसे लिखते हैं? 0.75 को 75/100. सो दोनों 25 में जाता है. 25 3s are 25 4s are. सो 18 3/4 भी आप लिख सकते हो. ठीक है, दैट्स ऑल चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्लास में और सम्स देखेंगे. बाय.